Good morning, students. I am Sonal Arya, your class teacher. Today I am going to tell you an interesting story, The Lion and the Mouse. आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक शेर और एक चूहे की। बहुत समय पहले जंगल में एक शेर रहा करता था। वह शेर एक दिन शिकार करके भरपेट खाना खा के सो रहा था। उसे बहुत गहरी नींद आ रही थी, तभी वहां पर एक चूहा आ गया और वह शेर के ऊपर चढ़ के उछल कूद करने लगा। उसे उछलने कूदने में बहुत मज़ा आ रहा था। कभी वो ऊपर चढ़ता, कभी वो नीचे जाता, उसे बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। तभी शेर की नींद खुल गई और ज़ोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है मेरे ऊपर? और उसने झपट्टा मार के उस चूहे को पकड़ लिया और गुर्राया, तू कहाँ से आ गया मेरे ऊपर? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खा जाऊंगा। चूहा डर से बिल्कुल कांपने लगा और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी कभी आपके काम आऊंगा। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए, दया करिए, रहम करिए मुझ पे, मैं भी कभी आपके काम आऊंगा। शेर हंसने लगा, हा, 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 तू पिद्दी सा चूहा, मैं जंगल का राजा शेर, भला तू मेरे किस काम आएगा? और उसने दया करके उसे छोड़ दिया, बोला, जा, छोड़ता हूँ तुझे, लेकिन आज के बाद कभी मेरे पास भी मत फटकना, समझ गया? तभी कुछ दिनों के बाद उसी जंगल में एक शिकारी आया और उसने जाल फैला दिया। शेर को पकड़ने के लिए वह जाल फैलाकर पेड़ पर छिपकर बैठ गया। तभी शेर वहां से गुजरा और शेर को बिल्कुल पता नहीं था आगे क्या है और वो उस जाल में फंस गया। शिकारी उसे उस जाल में फंसाकर पेड़ पर लटकाकर बहुत खुश होने लगे। उन्होंने उस शेर को पेड़ पर लटका हुआ छोड़कर वहां से जाने लगे। तभी शेर जोर जोर से चिल्लाता रहा, दहाड़ता रहा मदद के लिए, लेकिन उन शिकारियों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो दोनों वहाँ उसे लटका हुआ छोड़कर अपनी गाड़ी लाने के लिए चले गए ताकि उस गाड़ी में उस शेर को डालकर ले जा सकें। तभी चूहे ने दूर से देखा, उसे दिखाई दिया कि अरे, ये तो वही शेर है जिसने मेरी जान बचाई थी, वो मुसीबत में है, आज मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। और वह दौड़ते हुए उस शेर के पास गया और उसकी पूंछ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गया और अपने तेज नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। वह एक एक रस्सी को कुतर कुतर के काटने लगा और इस तरह धीरे धीरे काटते काटते उसने पूरे जाल को काट डाला। जब पूरा जाल कट गया और शेर उसमें से बाहर आ गया तो उसे बहुत खुशी हुई। तभी वह शिकारी अपनी गाड़ी लेकर वापस आए और उन्होंने शेर को आज़ाद घूमते देखा। यह देख करके वह बहुत डर गए। उनको लगने लगा कि अब तो ये शेर हमें नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा, और वह भाग खड़े हुए। उनको भागता हुआ देखकर शेर और चूहे को बहुत मज़ा आया। उस दिन से शेर और चूहा एक दूसरे के दोस्त बन गए, दोनों हमेशा साथ साथ रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को अपने से छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, छोटा दोस्त भी बड़े के काम आ सकता है। थैंक यू।